कौन सी क्लास में तुम लोग? एट। हाँ, कैसे निकलते हो इस नदी में से आप? ये जो गाड़ी नाव से निकलते हैं, केवल स्कूल बैग और गीले भी हो जाते हैं और कीचड़ में भी भरा जाते हैं और हम गिर भी जाते हैं। दो बार तो गिर गए तो हमारे गांव वालों ने निकाला, तीन चार बार मुंह में पानी भरा गया, कोर्स भी खराब हो गया, बहुत नुकसान होता है और निकलने में बहुत दिक्कत आती है। और जब ये नदी भरा जाती है जब हमारे को पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है, हमारे बहुत लांगे होते हैं और हमारे को छुट्टी करना पड़ती है और फिर हमें हम ये जो ड्रम है ये भी पलटे खा जाता है और इसके नीचे हम आ जाते हैं तो इसलिए हमारे फेफड़े में नहीं भी पानी भरा जाता है, इसलिए हम हमारे को स्कूल में दिक्कत इस दुकान जाना पड़ता है ना। और हमारे एग्जाम में भी हमें बहुत दिक्कत आती है। कौन सी क्लास में? टेंथ क्लास। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शासकीय हाई स्कूल। बराबर कर लो बेला, बराबर कर लो। कितनी दूर है हिरली से अपने गांव से आपका स्कूल? बीच में क्या आता है? बीच में सिर्फ एक नदी है। तो कैसे पार करते हैं आप नदी? गांव वालों ने जो गाड़ी नाव बनाई है उसके सहारे से हम जाते हैं। केविल में कांटे भी फंस जाते हैं, दूर आती है। ये देखो वो कांटा फंसा हुआ है उसमें। कितने सालों से जा रहा हूँ? हम 6-7 साल से जा रहे हैं। बहुत डर लगता है अजीब सा। एक केविल है, दो पेड़ों से बनी हुई, उसकी वजह से हम जाते हैं। कितने बच्चे बैठते हैं उस नाव में? 7-8 बने। एक बार पलटी भी खा गई थी जिसमें सभी बच्चे ड्रम के नीचे आ गए थे, फिर गांव वाले को पता चला तो वो जल्दी जल्दी आए और फिर उसको सीधे से करा। और एक बार ये केविल हाथ में से छूट गई थी तो कम से कम 5 का गांव अंतरालिया वहाँ पर हम चले गए थे, फिर वहाँ पर से हमको पापा भी लेकर आए। का देवास जिले का आखिरी बॉर्डर का गांव है, इस पर किसी भी नेता की किसी की भी पूरी ध्यान नहीं है। यहाँ से 5-5 किलोमीटर की दूरी पे मिडिल हाई स्कूल है, वहाँ बच्चे पैदल जा नहीं पा सकते, वापस नहीं आते जब तक दिल घबराता है। और इनके भविष्य के बारे में हम रिस्क भी ले रहे हैं, बच्चों की जान जोखिम में डाल के हम पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर यह छोटा सा पुल बन जाए तो बच्चों की और हमारी सबकी समस्या बिल्कुल।